नमस्कार, स्वागत है आपका फ्लाइंग कार की एक और वीडियो में। मैं हूं अजय धीमान। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना काल चल रहा है, बहुत पहले लॉकडाउन भी हो चुका था। हालांकि लॉकडाउन खुले काफ़ी समय हो गया, लेकिन अपना प्रिकॉशन मुझे और आप लोगों की भी चिंता है कि कोरोना से आप लोगों को थोड़ा दूर रखा जाए। लेकिन अब जैसे जैसे ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है, तो हम भी दोबारा आपको फ्लाइंग कार पर वीडियो जो है वो अब लेते आएंगे। तो आज मैं पहली वीडियो जो है वो कहाँ बनाने के लिए आया हूँ, आपने पहचान ही गए होंगे। आई थिंक किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रहे हैं, लेकिन मास्क लगा रखा है। तो मैं आया हूँ प्रीत बिहार दुर्गा मोटर, और हमारे साथ हैं मोहन गुप्ता जी। सर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल में खास जिलों के ऊपर किस तरह का असर जो वो पड़ा है। कोरोना के अंदर, कोरोना का ये लॉकडाउन खुलने के बाद में इतना ज़्यादा कोई खास असर नहीं आया है। कस्टमर्स आ रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, मगर जो कस्टमर हमारे बाहर से आते थे वो बहुत कम हो गए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वो भी जल्द आएंगे जब बॉर्डर्स प्रॉपर तरीके से सारे के सारे खुल जाएंगे। कहीं गाड़ियों की सेल में कमी आई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ियों की सेल में कोई कमी नहीं है। कोई प्राइसिंग कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? ऐसा कोई इशू नहीं है, जो रेट पहले चल रहा था वो रेट आज भी चल रहा है। तो सर आज मुझे ये बताइए कि कोरोना काल चल रहा है और आई थिंक लोगों को इस टाइम सस्ती गाड़ियों की ज़्यादा नीड होगी, तो आज हम सबसे कम बजट की गाड़ी जो वो अपने दर्शकों को कौन सी और सॉरी किस प्राइस पे देने वाले हैं? आज हम सबसे सस्ती गाड़ी 2 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे। 2 लाख से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एंजॉय शेवरलेट की गाड़ी है, क्या सर इसकी डिटेल बताएंगे? ये सर 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है, और 55,000 विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ में चली है। गाड़ी बहुत एकदम नीट एंड क्लीन है, LT मॉडल है, टॉप मॉडल है। इसमें पीछे डबल डोर AC है, 7 सीटर कार होती है ये डीजल के अंदर। डीजल में क्या माइलेज इसका मिल जाएगा? इसके अंदर ये लोकल सर 15 की एवरेज देती है, हाईवे पे आपको 17-18 तक की एवरेज देती है। मतलब इन्जॉय को लेके आप लोग खूब इन्जॉय करने वाले हैं। बाकी ये बता दीजिए ओरिजिनल पेंट पूरा, कहीं से कोई डेंट पेंट? सिर्फ बम्पर टचिंग मिलेंगे, और दिल्ली शहर के दिल्ली नंबर की गाड़ी है तो थोड़ा बहुत टचिंग जरूर होता है गाड़ियों के अंदर, बाकी नॉन एक्सीडेंटल कार होगी हमारे पास में। कितने की ये गाड़ी आप फ्लाइंग करके दर्शकों को देंगे? ये 3 लाख रुपीज आज इसकी डिमांड है। पहले अगर हम बात करते हैं, अगर कोई फ्लाइंग करके बिना आता तो सर उसके लिए 3.5 लाख रुपये, 3.25 लाख रुपये, जैसे कस्टमर होता है उस हिसाब से डिमांड रखते हैं। 3 लाख रुपये की आपको इन्जॉय मिल जाएगी, इन्जॉय को लेकर आप इन्जॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ब्लू कलर में बेंटो, क्या सर इसकी डिटेल? सर ये 2014 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योर्ड है, और 48 अराउंड चली हुई है गाड़ी। ये कंफर्ट लाइन मॉडल है इसका, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC, स्टेयरिंग माउंट्स, और आपका AC पीछे डीफोक, सारी चीज़ें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। पेट्रोल और डीजल? डीजल में क्या माइलेज ये दे देती है? ये लोकल सर माइलेज देती है 15 के आसपास, और हाईवे पे 17 के आसपास निकाल देती है। ओके, कंफर्ट लाइन में ही आती है। हाँ जी सर। टॉप मॉडल आता है ये? बीच वाला मॉडल है सर इसका। ठीक है। बाकी डेंटिंग पेंटिंग कहीं से? 2 बम्पर पेंट है पूरी गाड़ी के अंदर, बाकी ऑल ओरिजिनल पेंट की कार है। कितनी चली हुई सर गाड़ी? 48,000 किलोमीटर रनिंग है। क्या इसका प्राइस आपने रखा हुआ है? इसका सर प्राइस 4 लाख रुपीज रखा हुआ है। तो 4 लाख में आपको वेंटो मिल रही है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। बाकी कहीं से कोई डेंट पेंट एकदम? नहीं, कुछ नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब हमें मिलती है होंडा सिटी सर, आई थिंक ये होंडा सिटी है, 2009 मॉडल है, ये VMT सबसे टॉप एंड मॉडल है। Okay. इसका VIP नंबर है, आप नंबर देख रहे होंगे, 7474 VIP नंबर कार है ये। UP16 नोएडा आई थिंक? नोएडा सर, नोएडा नंबर कार है ये, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योर्ड है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर कार है। बाकी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी डेंटिंग पेंटिंग कहीं से? सर हल्की फुल्की टचिंग मैंने आपको बताया कि मिलेगी, नॉन एक्सीडेंटल कार होगी पूरी गारंटी के साथ। 2009 फर्स्ट ओनर, कितनी चली हुई सर? सर ये 71,000 किलोमीटर चली है। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल सर, प्योर पेट्रोल। माइलेज ये सर होंडा सिटी देती है सर 13-14 के आसपास की, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में। तो सर क्या डिमांड इसकी? इसकी सर 2.5 लाख रुपये डिमांड है। कुछ कम कर पाएंगे सर? बिल्कुल सर, आपके फ्लाइंग कार का कस्टमर आएगा, क्यों नहीं कम करेंगे हम। कितना कम कर सकते हैं सर आपके यहाँ पे? सर जो 5-10 हज़ार का डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब हमें मिलती है होंडा अमेज। सर अमेज की पहले हमें डिटेल बता दीजिए। सर ये 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है, और ये 68 विद रिकॉर्ड चली हुई है कार। गाड़ी ऑल ओरिजिनल पेंट की है, सिर्फ पूरी गाड़ी के अंदर बम्पर्स पेंट है, और ये डीजल वर्जन है, और ये SMT मॉडल है इसके अंदर डीजल में। SMT में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? इसके अंदर आपको स्टेयरिंग माउंट्स मिलेंगे, चारों पावर विंडो मिलेगी, AC मिलेगा, ये सारे फीचर्स मिलेंगे, और इनबिल्ट सिस्टम। और इमेज की अमेजिंग डील बता दीजिए।
सर ये गाड़ी 375 आस्किंग है इसकी। वैसे दुर्गा मोटर्स पे मेरे को कवर करते हुए आई थिंक एक साल होने ही वाला लगभग। बिल्कुल सर बिल्कुल। और जहाँ तक पता है कि नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियों में डील करते हैं तो पूछने वाली बात भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये अब बार बार क्वेश्चन की हाँ एक्सीडेंटल है या नहीं, आपको मोटा मोटा अच्छी खबर जो मेन डिटेल गाड़ी की है वो हमारे पास में पूरी गारंटी के साथ गाड़ी होगी। गाड़ी अगर एक्सीडेंटल किसी भी कस्टमर को जाएगी तो घर से वापसी होगी। और आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी सस्टेन? ये सर 2013 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर कार है, इंश्योरेंस इसका खत्म हो गया है और ये 48,000 विद रिकॉर्ड के साथ चली हुई है। ऑल ओरिजिनल पेंट की कार है, VDI, इसमें अलॉय व्हील टायर 40,000 रुपीज़ के कस्टमर ने अभी लगवाए हैं गाड़ी के अंदर। ओके, मतलब ये आउटसाइड से मार्केट में इसका बाद में वर्क करवाया गया। हाँ जी हाँ जी। क्या क्या फीचर हमें इसके अंदर? चारों पावर विंडो, इनबिल्ट सिस्टम, एसी, हीटर, सारी चीजें आपको मिलेंगी। वैसे स्विफ्ट और डिजायर की काफी डिमांड रहती है, बाकी बता दीजिए कहीं से डेंट पेंट या कुछ नहीं? डेंट पेंट कुछ नहीं है, सिर्फ बम्पर पेंट है इसमें। ठीक है, क्या इसकी डिमांड सर? 375 आस्किंग है इसकी। बहुत बढ़िया, और काफी अच्छी डील आपको एक बार फिर से मिल रही है देखने को। और आगे बढ़ते हैं, पर्सनली मैं इस गाड़ी को बहुत फ्लाई करता हूँ क्योंकि इस गाड़ी की जो स्टील बॉडी होती है बहुत हैवी है, बहुत हैवी और जानदार है। तो सर हमारे पास है पुंटो, ये 2014 मॉडल है, यूपी नंबर कार है, UP 16, नोएडा, फर्स्ट ओनर कार है, फुल इंश्योर्ड कार है ये, 55,000 किलोमीटर रनिंग है ये, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। डीजल और पेट्रोल? डीजल सर। डीजल, बस ये गाड़ी हैवी है तो थोड़ा सा इसका माइलेज में कमी रहती है, कितना इसका माइलेज है? सर ये भी शिफ्ट वाला ही इंजन होता है इसके अंदर, क्योंकि फिएट ही मारुति को इंजन देता है। हाँ जी हाँ जी। तो इसका एवरेज भी शिफ्ट जैसा ही रहता है, 15-16 का लोकल लोकल, और हाईवे पे जहाँ तक मैंने सुना है कस्टमर जो इनको चलाते हैं कि ये 20-22 तक की भी एवरेज देते हैं। बाकी अपनी ड्राइविंग के ऊपर होता है आप कैसे ड्राइविंग करते हैं। हाँ जी हाँ जी। निकालने वाले सर एवरेज इसकी गाड़ियों की 5-10 की भी निकालते हैं, निकालने वाले बहुत अच्छी अच्छी एवरेज भी। कौन सी पुंटो है, क्या क्या फीचर इसमें? ये इमोशन मॉडल है सर इसके अंदर, इसके अंदर स्टेयरिंग माउंट्स आएंगे, इनबिल्ट सिस्टम आएगा और आपका एसी, हीटर, सारी चीज़ें आएंगी, पावर स्टेयरिंग। कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, कौन सा कलर है सर? ये मैरून कलर है सर इसमें। पूरा ओरिजिनल है? ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, सिर्फ बम्पर पेंट है। सिर्फ बम्पर इसके पेंट है, और बाकी देख के भी नहीं लग रहा है लेकिन बम्पर भी पेंट है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा पेंटिंग करवाया गया है इसे। तो क्या डील इसकी लेंगे सर हम? सर इसकी आस्किंग है 2,40,000 रुपये। 2,40,000, और जब टेबल पर बैठेंगे तो कितना कम कर पाएंगे? सर जो भी 5-10,000 का फर्क निकलेगा वो निकाल देंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और इंडिया की मोस्ट डिमांडेड कार इसको बोला जा सकता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, काफ़ी इस गाड़ी की डिमांड रहती है। सर छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है ये, और हर इजीली हर जगह पार्किंग में हर जगह फिटिंग हो जाती है इस गाड़ी की। हाँ, तो बहुत अच्छी कंडीशन में कार है। तो i10 कौन सी i10 है? ये 2012 मॉडल है, ईरा मॉडल है, और आपका इसके अंदर प्लस पॉइंट सबसे बड़ा है कि इसमें सिक्वेंशियल CNG ऑन पेपर्स है ये। ओके, और सर गाड़ी के अंदर 2 पावर विंडोज होती है, पावर स्टीयरिंग होता है, एसी होता है इसके अंदर, सारे फीचर्स। मतलब बेस से अपर मॉडल है ये? बेस मॉडल होता है ईरा, बेस मॉडल ये है। तो कितनी चली हुई बताइए सर? सर ये गाड़ी चली हुई है 68,000। ठीक है, बाकी कहीं डेंटिंग पेंटिंग? हल्की फुल्की सर टचिंग है गाड़ी के अंदर, बम्पर पेंट है, बाकी गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है। टायर वायर कंडीशन? टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब बता दीजिए क्या डील इसकी? सर इसकी आज की रेट रखा हुआ है 2,00,000 रुपये सर। 2,00,000 रुपये में आइए और अपनी i10 को 2,00,000 रुपये में बना लीजिए, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। और माइलेज के मामले में डीजल या पेट्रोल? ये पेट्रोल प्लस CNG। पेट्रोल प्लस CNG है सॉरी, हाँ सिक्वेंशियल CNG है ये। हाँ जी सर। तो क्या माइलेज रहता है CNG? सर CNG के अंदर ये मान के चलिए 1-1.5 रुपये किलोमीटर पड़ती है गाड़ी। 1-1.5 किलोमीटर, और पेट्रोल के अंदर i10 का आपको पता ही है 14-15 की एवरेज लोकल लोकल देती है। काफी अच्छी एवरेज गाड़ी है, तभी आई थिंक मार्केट में बिकती है ये। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अब हमें मिलती है अर्टिगा। सर कौन सी अर्टिगा है? ये 2015 मॉडल है, VDI मॉडल है गाड़ी का, 62 अराउंड चली हुई है ये, फर्स्ट ओनर कार है, गाड़ी के अंदर बीच में सेंटर ब्लोअर होता है इसके अंदर, नॉर्मल AC, हीटर और चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सारी चीजें होती है इसमें। 7 सीटर ये रहने ये वाली 7 सीटर कार है, 2015 है, 60 अराउंड ये चली हुई है। हाँ जी। और बाकी ये बता दीजिए कहीं से टचिंग बचिंग? सिर्फ बम्पर पेंट है, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, एज लाइक अ न्यू कार है ये बिल्कुल। हाँ, इंटीरियर हमने देखा काफी अच्छा है, बाकी आप सिनेमैटिक शॉट भी देख रहे हैं। हाँ, तो सर क्या डिमांड इसकी रखी है? सर इसकी आज की डिमांड है 575। थोड़ा बहुत कम करेंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल होगा सर। कितना कम कर सकते हैं? सर जो भी होगा मौके पे बैठ के कर देंगे। चलिए ठीक है, तो आप विजिट कीजिए दुर्गा मोटर प्रीत बिहार में, बाकी आपको लोकेशन हमने बताई दिया है, प्रीत बिहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने ही, बाकी आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देखा है कि कहाँ और कैसे आना है, बाकी नहीं होगा तो मोनू सर का आपको नंबर जो वो डिस्प्ले पे मिल ही जाएगा। एक मेरे सारे व्यूअर्स भाइयों से अपील है मेरी, प्लीज़ टाइमिंग नोट करके फ़ोन कीजिएगा,
सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारा वर्किंग आवर्स है, इसी टाइमिंग के अंदर कॉल कीजिएगा प्लीज। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि क्या बार क्या होता है लोग रात को 2 बजे 3 बजे, आप नंबर नोट कर लीजिए, 2 बजे देख रहे हैं 3 बजे आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग होते के साथ में आपसे जरूर बात करूंगा। ये सभी से रिक्वेस्ट है, काफी इस चीज की कंप्लेंट्स आती है क्योंकि आप लोग तो 2-3 बजे तक वीडियो देख रहे होते हैं, सर को या जितने भी कॉल्स दिल रहे हैं सबको रेस्ट करना होता है, तो रिक्वेस्ट है कि आप मॉर्निंग में 10 बजे के बाद ही कॉल करें और इवनिंग 7 o'clock से पहले ही। रात को 2-3 बजे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, तो नंबर आप नोट कर लीजिए, बाकी एक टाइमिंग ही आप कॉल कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं मोनू भैया, अगली डील आप कौन सी जैज की दिखा रहे हैं? ये होंडा जैज है, 2015 मॉडल है, फुल इंश्योर्ड कार है, 32,000 किलोमीटर रनिंग है, गाड़ी में कम से कम 70,000 से 80,000 रुपये की एसेसरीज एक्स्ट्रा लगी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, बकेट सीट्स हैं, एम्प है, बूफर है और HID लैंप है, LED DRL लाइट्स हैं, काफ़ी सामान गाड़ी के अंदर लगा हुआ है इसमें। कौन सी जैज है ये? ये होंडा जैज वी मॉडल है। ये वी मॉडल, तो कौन सा मतलब इसे मॉडल बोला जाता है, बीच का या अपर? ये सर सबसे टॉप एंड सा ऑटो से नीचे है। ओके, इसके बाद ऑटो मॉडल है। एक्सेसरीज लगा रखी है तो वो ऑटो से ज्यादा मान। हाँ जी, ये मैनुअल में आती है? ये मैनुअल के अंदर है। ठीक है, 2000 2015 मॉडल है और फुल इंश्योर्ड कार है। कितनी चली हुई है ये? 32,000 चली हुई है। तो बाकी बता दीजिए कहीं से कोई कंडीशन? गाड़ी ऑल ओरिजिनल पेंट की है, सिर्फ गाड़ी के अंदर 2 bumpers पेंट है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर कार है। चलिए ठीक है। क्या इसका पेट्रोल पे, हम पेट्रोल में? हाँ जी पेट्रोल। क्या इसका माइलेज सर? 13-14 का लोकल और हाईवे पे 16-17 का एवरेज निकालता है। तो क्या डील हमारे दर्शकों को मिलने वाली है आज? सर ये डील है 475 की। 475 की, बहुत ही बढ़िया। और नहीं लेने जाते हैं तो कितने की आती है सर? सर ये 9.25 लाख रुपए के आसपास आपको नई गाड़ी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की डील जो कि मोनू भैया ने काफी बेहतरीन दिखाई। मोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद इस चीज के लिए। लेकिन अब हम आखिरी में, आप जैसे जानते हैं कि हम बताते हैं कि आपके यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। हमारे यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली NCR के लोगों के लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, RSA प्रोवाइड अवेलेबल है और गाड़ी की इंश्योरेंस अवेलेबल है। अगर किसी कस्टमर को कोई गाड़ी पे इंश्योरेंस कराना है वो अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है। बाकी गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल रहेगी, कहीं से कहीं तक कोई भी, सारी जिम्मेवारी हमारी रहेगी, पेपर ट्रांसफर की। अगर फाइनेंस की बात करते हैं, सिर्फ आपने बता दिया, क्लियर कर दिया दिल्ली NCR का, लेकिन मैं मान लीजिए कहीं और दूर से हूँ, किसी दूसरी स्टेट से हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या खुद का बिजनेस? अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप दिल्ली से गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए दिल्ली का कोई भी आपका रिलेटिव गारंटर चाहिएगा जिनका अपना मकान। और हम RTR फिल करते हैं तो? ITR फिल करते हो तो भी दिल्ली के लिए एक गारंटर जरूर चाहिएगा जिनका अपना मकान। मतलब दिल्ली का गारंटर होना जरूरी? दिल्ली का गारंटर जरूरी है। ठीक है, अब ये बता दीजिए मुझे RC वगैरह का जो ट्रांसफर का खर्चा होता है वो? सर डिपेंड करता है कि कौन सी RTO की गाड़ी है, वो दिल्ली की नंबर है या UP नंबर है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हम लगाएंगे तो 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का खर्चा होता है, डिपेंड करता है वो कौन सी RTO की गाड़ी है। वो जो खर्चा है 2,000 से 5,000 का RC ट्रांसफर का, वो आपका होगा या वो कस्टमर पे करेगा सर? बाकी क्या कहते हैं, यहाँ से जो भी उसका क्लियरेंस का होगा वो सारा चीज़ हम करा के देंगे। ठीक है, बाकी सर आखिरी में यही क्वेश्चन है, कोई गारंटी या वारंटी आपके यहाँ से मिलती है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से नॉन एक्सीडेंटल की पेपर्स की पूरी गारंटी मिलती है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको पता ही है, और भी हमारे कस्टमर्स आपकी साइड से बहुत सारे आए हैं जो हमारे से बहुत सेटिस्फेक्शन होके गए हैं और गाड़ी लेके गए हैं, उन्होंने रिपीट हमारे को कस्टमर भी भेजे हैं कि आप एक बारी गाड़ी वहाँ से जाके चेक कीजिए और वहाँ से लीजिए, तो कमी मिलेगी नहीं आपको। हमें आपस में एक दूसरे का साथ काम करते हुए आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया। बिल्कुल सर, अब हमें एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कस्टमर की फीडबैक हो, हैप्पी कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शकों को एक वीडियो, क्योंकि हर बार तो कब आप डिलीवरी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक ही दिन हफ्ते में वीक में आ पाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई इस तरह का फ्लाइंग कार की तरफ से लेके जा रहा है तो उसका एक फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फीडबैक। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, कैसी लगी आज की कारें, फर्स्ट ब्लॉग कोरोना के बाद। हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि अभी तक कि कोरोना जो हम लोगों को ना हो, क्योंकि कोरोना एक बार अगर किसी को हो जाए तो पता नहीं होता कि किसका क्या होगा। तो बाकी आप अपना फीडबैक जो मुझे एक बार कमेंट्स में दे दीजिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं, बाद में मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नई कारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।